वीक सेंटर एंड स्ट्रांग लोकल, स्ट्रांग लोकल्स की बात कर रहे हैं। देखो एप्रीहेंशन इस वजह से नहीं है दोनों के बीच में, या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है, दोनों के बीच में सोशल परसेप्शंस को लेकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। गांधी के लिए विलेज इज अ यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, गांधी के लिए ठीक है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ मूव करता है या सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी की तरफ मूव करता है ठीक है। तो गांधी विलेज को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं ठीक है, और अंबेडकर विलेज को, अंबेडकर कैसे देख रहे हैं विलेज को, विलेज अंबेडकर गांधीज अप्रोच इज इकोनॉमिक ठीक है। अभी हमने देखा कि गांधी का अप्रोच क्या है, इकोनॉमिक है ठीक है। अंबेडकर का अप्रोच या अंबेडकर के परसेप्शन ऑफ द विलेज इज, और द ओपिनियन ऑफ द विलेज इज सोसाइटल, सोसाइटल एंड दैट इज व्हाट ही सेज दैट विलेज इज अ, विलेज इज अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, डेन ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का डेन है, और विलेज ही वो एरिया है जहां पे क्या है कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल है कास्ट सिस्टम। एंड ही इज एंटी कास्ट, गांधी इज नॉट एंटी कास्ट एंड नाइदर प्रो कास्ट एज सच। गांधी कास्ट डिवीजन वर्ना सिस्टम फंक्शनल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ठीक है, उनका अप्रोच अलग है उस पर। इस वजह से जो ये ओपिनियन आता है ये ऐसे आता है ठीक है, जो हमें विजन जनरल, इन जनरल हमें जब विजन की बात करते हैं तो विजनरी एस्पेक्ट में जो चीज़ हमें दोनों के बीच में जो डिमार्केटिंग एलिमेंट मिलता है, ये दोनों के बीच में ये डिमार्केटिंग एलिमेंट यही है ठीक है, कि विलेज को द यूनिट को कैसे देखा जा रहा है।